आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेस आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज एक स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म का आप स्टडी करने जा रहे हैं। जरा बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसे समय भी जिनका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान, लेकिन प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशीय समायवी कहलाते हैं और यह घटना प्रकाशीय समायवता कहलाती है। सवाल उठता है कि ये प्रकाशीय गुण क्या होता है, तो आप जब तक से प्रकाशीय गुण यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं समझेंगे तब तक से इसका डिफिनेशन, इस टॉपिक का डिफिनेशन आप समझने लायक नहीं हो सकते हैं। तो एकदम जीरो लेवल से आपका पढ़ाई स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं लाइट के बारे में। आप लोगों को पता है फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट के नेचर और बिहेवियर का स्टडी करते हैं, प्रकाश की कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर लाइट के बारे में थोड़ा आप सभी स्टूडेंट को जानना है, तब जाकर इस टॉपिक पर पकड़ बनेगा, अच्छे से आप समझ पाएंगे। लाइट दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी लाइट और एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपको बता दें कि जो भी बल्ब, ट्यूब, मून, सन, इन सभी का जो लाइट होता है, इन सभी का जो लाइट होता है वो ऑर्डिनरी लाइट होता है। यानी जितना तरह का आप आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं या नेचुरल लाइट देखते हैं, जैसे मून, सन, स्टार, बल्ब, ट्यूब, कोई भी चीज का लाइट ऑर्डिनरी लाइट होता है, क्योंकि ये ट्रेवल करते समय, गमन करते समय बहुत सारे पथ का अनुसरण करता है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी लाइट, साधारण प्रकाश कहते हैं। लेकिन बचपन में आप एक और लाइट का यूज किए हैं, लेजर लाइट। तो लेजर लाइट आप देखे होंगे कि लेजर लाइट जैसे ही स्विच ऑन करते हैं एक प्लेन में चलने वाला लाइट होता है, तो जस्ट लाइक वही है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, एक समतल में चलने वाला प्रकाश। सच्चाई यही है कि समतल ध्रुवित प्रकाश होता नहीं है, बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द लाइट विच ट्रेवल इन ओनली वन प्लेन, वह प्रकाश जो एक गमन करते समय एक तल का अनुसरण करता है, एक तल में चलता है, एक प्लेन में चलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो हम यहाँ समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, कैसे बनाया जाता है ये बताने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा यहाँ देखा जाए, ये है बल्ब, ठीक है, और ये है निकोल प्रिज्म। इसी के ठीक सामने लिया गया है निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म कैलासाइट का बना होता है। जैसे ही ये ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये एक प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह का लाइट अगर किसी कंपाउंड के, किसी यौगिक के सॉल्यूशन पर पड़ता है, जैसे यहां हम कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहां हम किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन ले रहे हैं, अब यहां कंपाउंड के रूप में हम ले रहे हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सूत्र बता सकते हैं आप लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COH और सिंगल बॉन्ड COOH, ये लैक्टिक एसिड है। इसके सैंपल को यहां ले रहे हैं, तो यहां पर जरा देखा जाए क्या हो रहा है, CH3
CH OH COOH, ये कंपाउंड का सोल्यूशन हम ले लिए इस कंटेनर के इस भाग में, ठीक है। और यहां पर आप हैं ऑब्जर्वर के रूप में, ठीक है। और ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, वास्तव में ये पोलरीमीटर है, ये पूरा एक ही ट्यूब में होता है इस तरह से। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं आप, ये बल्ब जल उठता है, और ये ऑर्डिनरी लाइट जैसे ही निकोल प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक प्लेन वाले चलने वाले लाइट में। और इस कंपाउंड के सॉल्यूशन जो कि यहां भरा गया है, यहां पर कंपाउंड का सॉल्यूशन भरा गया है जिसको हमको चेक करना है, जिसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी प्रकाशीय गुण जानना है। आपको बता दें कि आज तक आपका नॉलेज था कि दूध में एक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। आज से जानिए कि लैक्टिक एसिड भी इस धरती पर तीन तरह का होता है। एक होता है डी लैक्टिक एसिड, एक होता है एल लैक्टिक एसिड, और एक होता है डीएल लैक्टिक एसिड। उसी तरह टार्टेरिक एसिड जो ग्रेप्स में पाया जाता है वो चार प्रकार का होता है, डी टार्टेरिक एसिड, एल टार्टेरिक एसिड, एम टार्टेरिक एसिड और आर टार्टेरिक एसिड। तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप सवाल उठता है कि ये नाम कहाँ से आया, कैसे डी बोल रहे हैं, कैसे एल बोल रहे हैं। तो देखिए, हम इस लैक्टिक एसिड के सैंपल को लिए और इसमें भर दिए और यहाँ से स्विच ऑन किए, यहाँ से लाइट निकला, ऑर्डिनरी लाइट यहाँ पर आया। ये इस निकोल प्रिज्म जो कैलासाइट से बना होता है और निकोल नामक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया, उस साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम निकोल प्रिज्म पड़ा है। जैसे ही ये इससे गुजरा, ये एक प्लेन में चलने वाले लाइट बदल गया, जैसे कि लेजर लाइट एक प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह का लाइट जब किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन पर पड़ता है, विलयन पर पड़ता है, तो वो जो यौगिक है जिसका वो सॉल्यूशन है, वो यौगिक उस लाइट को या तो बाईं ओर या तो दाईं ओर कुछ कोण से मोड़ देता है। तो अगर ये लाइट ऐसे सीधा आ रहा था, आप यहाँ से सारा चीज देख रहे हैं कि वहाँ से लाइट चला है, और यहाँ आते आते ये कुछ एंगल से यहाँ पर मोड़ दिया गया, तो कुछ एंगल से जो मोड़ दिया गया, तो जितना एंगल से मोड़ा गया जितने एंगल से मोड़ दिया गया उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब हम इस सैंपल को नहीं भरेंगे, इस सैंपल को भरेंगे। जब हम इस सैंपल को भर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइट सीधा आ रहा था, लेकिन जब ही यहाँ पर आया तो ये कंपाउंड उस प्रकाश को जो सीधा इस पर पड़ा उसको कुछ एंगल से बाईं ओर मोड़ दिया। तो लैक्टिक एसिड ये भी है, लैक्टिक एसिड ये भी है, लेकिन ये डी लैक्टिक एसिड है और ये एल लैक्टिक एसिड है। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को ये दाईं ओर मोड़ता है तो ये डी फॉर्म वाला लैक्टिक एसिड होता है, डी लैक्टिक एसिड होता है, और जब बाईं ओर मोड़ता है तो एल लैक्टिक एसिड होता है। तो क्या होता है प्रकाशीय गुण, किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या दाईं ओर मोड़ना ही प्रकाशीय गुण है। सवाल उठता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो जब किसी साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो एक तल में चलने वाले प्रकाश में बदल जाता है, इसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब किसी यौगिक का वह फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, उसको डेक्स्ट्रो फॉर्म कहते हैं, डी फॉर्म कहते हैं, प्लस फॉर्म कहते हैं। किसी यौगिक का वह फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर मोड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, उसे एल फॉर्म कहते हैं, या माइनस फॉर्म कहते हैं, या लिवो फॉर्म कहते हैं। आपको बता दें कि ये जो घटना है प्रकाशीय समयता का, एक यंत्र के माध्यम से देखा जाता है। एक तरह से कुल मिला जुलाकर हम ये यंत्र का सेटअप ही बना दिए हैं, जिसको पोलरी मीटर कहते हैं, जिसको आप सभी स्टूडेंट यहां से देख सकते हैं, ये है पोलरी मीटर, ठीक है। यहां से बल्ब स्विच ऑन हुआ, ये ऑर्डिनरी लाइट निकला,
निकोल प्रिंस से कहा यहाँ से गुजरेगा, एक प्लेन वाले चलने वाले लाइट बदल गया, यहाँ कंपाउंड का सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन कुछ एंगल से मोड़ दिया और आप यहाँ पर हैं, यहाँ से ऑब्जर्वर के रूप में देख रहे हैं कि ये लाइट सीधा आ रहा था और यहाँ कुछ एंगल से मोड़ दिया गया, तो इस इधर मोड़ा गया तो कहलाएगा एल फॉर्म, अगर इधर की ओर मोड़ा जाएगा डी फॉर्म। तो ये है पोलरी मीटर, जिससे कि प्रकाशीय समानता की घटना का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर जो अब हम समझाने जा रहे हैं ध्यान से समझेंगे, आपका मेन स्टेटमेंट डिफिनेशन का आ चुका है और अब आप हर एक बात समझने के लायक है। इस दोनों यौगिक को ध्यान से देखिएगा, ये प्रकाश को दाई ओर मोड़ने वाला है और ये प्रकाश को बाई ओर, तो बोर्ड पर ध्यान बनाया जाए। वैसे समय भी जिसका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान, लेकिन प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न, प्रकाशीय समय भी कहलाते हैं और यह घटना प्रकाशीय समयता कहलाती है। देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एसिड ये भी है, इलेक्ट्रिक एसिड ये भी है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाई ओर मोड़ा तो डी इलेक्ट्रिक एसिड, ये बाई ओर मोड़ा एल इलेक्ट्रिक एसिड, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोड़ रहा है, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो जिस एंगल से समतल ध्रुवित प्रकाश को मोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं घूर्णन कोण, ठीक है। अब जैसे आपने क्लास नोट्स में लिखा है, हर एक लाइन हर एक शब्द समझने का क्षमता आप में आ चुका है, एक सिस्टम में देख लीजिए। वैसे समय भी जिनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र समान होता है लेकिन प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशीय समय भी कहलाते हैं और यह घटना प्रकाशीय। किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में मोड़ना ही क्या है, प्रकाशीय गुण कहलाता है। जबकि साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। आगे, जिस यंत्र द्वारा प्रकाशीय समानता घटना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोलरी मीटर। किसी यौगिक का वह फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाई ओर मोड़ता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन मोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, प्लस फॉर्म ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। किसी यौगिक का वह फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाई ओर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, लिवो फॉर्म, माइनस फॉर्म, एल फॉर्म कहलाता है। अब आते हैं घूर्णन कोण क्या है। द एंगल बाई विच प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड बाई इट्स ओरिजिनल पोजिशन, वह कोण जो किसी यौगिक द्वारा, या ये कह सकते हैं किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को जिस कोण द्वारा मोड़ दिया जाता है उसके वास्तविक स्थिति से, वही कहलाता क्या है, घूर्णन कोण। घूर्णन कोण को थीटा द्वारा सूचित करते हैं। ये दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला घोल की लंबाई पर और दूसरा घोल की, जो स्टूडेंट घोल की लंबाई नहीं समझ पा रहा है यहां समझेगा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जितना मीटर यहां, जितना सीएम सॉल्यूशन भरा जाएगा, जितना चौड़ा कंटेनर में, यही लेंथ कहलाएगा। और बाकी कॉन्सेंट्रेशन तो आप समझ रहे हैं, मोल पर लीटर में होता है कि एक लीटर में कितना मोल है। तो ये किसके समानुपाती होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, यानी घोल की सांद्रता के और घोल के लंबाई दोनों को एक में सम्मिलित करें तो थीटा समानुपाती क्या हो जाएगा, सी एन। तो यहाँ थीटा बराबर अल्फा, ये अल्फा समानुपाती नियतांक है, ये समानुपाती का चिन्ह है और ये समानुपाती नियतांक बनकर आया है अल्फा, और इस अल्फा को विशिष्ट घूर्णन कहा जाता है, और अल्फा बराबर थीटा बाई सी एन, समझ में आ रहा है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास प्रकाशीय समावयवता का। अब आप मेन क्लास करने जा रहे हैं, कैसे जानेंगे कि कौन सा यौगिक प्रकाशीय समावयवता दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। अब यहाँ से इस क्लास में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, बस ध्यान से 5-10 मिनट देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं आज कुछ बढ़िया से मिला और कुछ नहीं रटना है, बस एक बार पढ़े और हमेशा के लिए याद। सबसे पहला हमने क्या अभी बात किया कि कैसे हम जानेंगे कौन यौगिक प्रकाशीय समावयवता दिखाएगा कौन नहीं। तो सबसे पहला शर्त, अणु में कम से कम एक काइरल कार्बन परमाणु होना चाहिए। काइरल कार्बन परमाणु क्या होता है, वह कार्बन परमाणु जो चार भिन्न भिन्न परमाणु या समूह द्वारा जुड़ा होता है।
काइरल कार्बन परमाणु कहलाता है। इसको पहचानना बहुत आसान है। चार भिन्न भिन्न का मतलब समझाया गया है कि इधर एक्स वाई जेड एम, ठीक है। तो अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम एक एग्जांपल यहाँ दे दे रहे हैं। देखिए यहाँ ऊपर सी एस थ्री, बाएँ एच, दाएँ ओ एच, नीचे सी डब्लू एच, तो क्या ये काइरल है? तो ये काइरल है, लेकिन ये काइरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको खोलेंगे तो बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच, क्या चारों डिफरेंट है? चारों डिफरेंट होगा तब काइरल होगा। और अभी भी आप नहीं समझे तो चलते हैं ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज के प्रत्येक कार्बन पर जाकर अपना कैपेसिटी दिखाना है कि आप काइरल पहचान सकते हैं कि नहीं। आज के बाद काइरल कार्बन परमाणु असममितीय कार्बन परमाणु। चलिए तैयार हो जाइए। फर्स्ट कार्बन काइरल होने लायक है? काइरल कार्बन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, तभी चारों तरफ जोड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखा जाए नीचे वाला कार्बन नहीं, कारण है कि दो सेम आ गया। काइरल को क्या चाहिए? चारों डिफरेंट चाहिए। चेक किया जाए, ये काइरल है, बाएं हाइड्रोजन, दाएं ओएच, ऊपर एल्डिहाइड और नीचे इतना बड़ा ग्रुप, तो चारों डिफरेंट। ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, चारों काइरल है। तो आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में ग्लूकोज में कुल काइरल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक दो तीन चार, तो आंसर होगा चार। अगर आप वास्तव में समझ गए तो अपना कैपेसिटी फ्रुक्टोज में दिखाइए। फ्रुक्टोज में कुल कितने काइरल कार्बन परमाणु होंगे? फ्रुक्टोज में कुल काइरल कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक कार्बन को जाकर ध्यान से चेक कीजिए। स्टार्ट, सबसे ऊपर वाला कार्बन नहीं, सबसे नीचे नहीं, का कारण है कि दोनों सेम है और ये डबल बॉन्ड, बच गया तीन। तो ये है काइरल। तो जब तक से अणु में काइरल कार्बन एटम नहीं होगा तब तक से वो प्रकाशीय समवयता प्रदर्शित, और काइरल कार्बन का पहचान कैसे किया जाता है ये हम सिखा दें। अब बात करते हैं फिर से कंडीशन टू डिस्प्ले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रकाशीय समवयता प्रदर्शित करने के शर्त का। तो पहला शर्त हमने बताया कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव काइरल कार्बन एटम, मॉलिक्यूल में कम से कम काइरल कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो काइरल कार्बन परमाणु क्या है? वह कार्बन परमाणु, वह संतृप्त कार्बन परमाणु जो चार भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ा होता है, काइरल कार्बन परमाणु कहलाता है। और दूसरा शर्त है कि अणु असममितीय होना चाहिए। बोर्ड पर ध्यान बनाइए, असममितीय अणु होना चाहिए। तो असममितीय तभी आप सभी स्टूडेंट पहचानेंगे जब आपको सममितता का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। जो आपको फिजिक्स में पढ़ना था कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री टॉपिक के नाम से, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताने जा रहे हैं जब आप सममितीय अणु पहचान जाएंगे, सममितता का विचार जान जाएंगे, तो असममितीय अणु को इसी तरह छाट देंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का थ्री कॉन्सेप्ट होता है। पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर आप कोई एक प्लेन से इसको काटे और एकदम दो बराबर भाग में कट जाए तो हम कहेंगे कि इस वस्तु में तल की सममितता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन में काटने पर दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, तो ये क्या है? सममितीय है। क्या है? क्या ये हाथ सममितीय है? काटिए इसको, दो प्लेन में कट जाएगा दो दो बराबर भाग में, जैसे भी काटिए ऐसे ऐसे दो बराबर भाग में, लेकिन ये कट जाएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेकेंड है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, या सेंटर ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को यहां समझा जाए
ये हमने एक सर्किल खींच दिया और हमने एक पॉइंट ले लिया। आपको लग रहा है कि यहाँ से सभी जगह का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो इस कहा जाएगा कि इसमें सेंटर ऑफ सेमेट्री है। किस चीज का सेमेट्री? केंद्र की सममितता है। क्या इस हाथ में केंद्र की सममितता है? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां से सभी जगह का डिस्टेंस सेम है? तो इस हाथ में ना प्लेन ऑफ सेमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सेमेट्री है। और अब आइए तीसरा। यह है फैन और इस फैन, इस पंखे के बीचों बीच हम एक अक्ष गुजार दिए, एक अक्ष गुजार दिए और स्विच ऑन कर दिए। जैसे कि ये फैन लगातार मूवमेंट में है, जैसे ही स्विच ऑन होगा ये घूमेगा तो एक ही फिगर को बार बार रिपीट करेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री से घुमाए और एक ही फिगर को बार बार रिपीट करे तो कहा जाएगा कि उसमें अक्ष की सममितता है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो तीन तरह का सममितता का विचार होता है, अक्ष की सममितता, तल की सममितता और केंद्र की सममितता। तीनों में से अगर कोई भी ना रहे तो वो सममितीय नहीं, क्या होता है? असममितीय। तो अणु सममितीय नहीं, असममितीय होना चाहिए प्रकाशीय समावयवता दिखाने के लिए। तो ये था प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करने का शर्त। अब आप सभी स्टूडेंट एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ज्यामितीय समावयवता में आप सभी स्टूडेंट पढ़े ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आज का ये क्लास वही स्टूडेंट कर पाएगा, समझ पाएगा जो ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, जिसको क्षमता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन कर दे, कौन इनगोल प्रलॉग के सीक्वेंस रूल पर सबकी वरीयता बता दे, कौन कम वरीयता का है, कौन अधिक वरीयता का है। तो ये क्लास उस क्लास से कनेक्टेड है। जो स्टूडेंट नहीं किए हैं उनके लिए, अगर उस दिन एबसेंट थे तो आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और वो वीडियो ई जेड कॉन्फ़िगरेशन का आपके लिए पार्टिकुलरली हम भेज पाएंगे, जो बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अब बोर्ड पर ध्यान बनाया जाए, अभी तक का सबसे ज़बरदस्त क्लास आगे के 5 मिनट का होने वाला है। आपको बता दें कि ज्यामितीय समावयवता में ई और जेड फॉर्म पढ़े थे, प्रकाशीय समावयवता में हम लेकर आए हैं आर एवं एस फॉर्म। आर फॉर रेक्टस, रेक्टस का मतलब क्लॉक वाइज रोटेशन और सिलिस्टर का मतलब एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। जब क्लॉक वाइज रोटेशन होगा तो वहां आर फॉर्म बोलिएगा, जहां एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा कैसा रोटेशन, क्या चीज का रोटेशन, डायरेक्ट आपको हम एग्जांपल से समझाना शुरू कर रहे हैं। देखिए जैसे ये लीजिए एक फ्रेश नया क्वेश्चन, उस पर समझिए। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का। यह है एफ सी एल बी आर आई। क्या आप सभी स्टूडेंट इतना कैपेसिटी रखते हैं कि आप इसमें बता सकते हैं चारों एटम ग्रुप में सबसे अधिक वरीयता का कौन सा है? जिसका परमाणु संख्या अधिक होता है उसकी वरीयता, तो इसको नंबर वन दिए, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। तो स्टेप वन आरएस कॉन्फ़िगरेशन के डिटरमिनेशन का पहला स्टेप कहता है, सर्वप्रथम काइरल कार्बन परमाणु के चारों ओर स्थित एटम और ग्रुप की वरीयता ज्ञात करते हैं। काइरल कार्बन परमाणु कहाँ है? बीच में, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो बता रहा है अपने आप को, साबित कर रहा है कि हम काइरल हैं। क्यों काइरल है? क्योंकि चारों डिफरेंट है।
तो स्टेप वन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन दी प्रायोरिटी ऑफ ऑल दी एटम ऑफ ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड दिस साइमेट्रिक सेंटर, जो काइरल कार्बन एटम के चारों एटम ऑफ ग्रुप है उसकी वरीयता ज्ञात करते हैं। और आप लोग खुद वरीयता ज्ञात कर दिए, 1 2 3 4 बोल दिए, किस आधार पर? जिसकी परमाणु संख्या अधिक उसकी वरीयता। स्टेप वन सबको क्लियर, 1 2 3 4 कैसे लिखा गया है। स्टेप टू कहता है कि सबसे कम वरीयता वाला को, आपको पता है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन, और इसको क्षैतिज। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल। तो सबसे कम वरीयता वाले को, 4 नंबर वाले को वर्टिकल लाइन के बॉटम पोजीशन पर लाना है। कहाँ लाना है? वर्टिकल लाइन के बॉटम पोजीशन पर, मतलब नीचे वाले छोर पर। तो ये है सबसे कम वरीयता, और इसको कहाँ लाना है? तो यहाँ पर 4 नंबर वाला आ गया, तो कैसे आएगा? इसका लाने का 2 नियम है, या तो 90 डिग्री से एक्सचेंज, या तो 180 डिग्री से। तो 90 डिग्री से आदान प्रदान करेंगे इस दोनों में, तो 4 वाला यहाँ जाएगा। तो 90 डिग्री से इसमें एक्सचेंज हुआ, तो ये 1 नंबर यहाँ चला गया, 4 नंबर यहाँ। तो अगर इसमें आदान प्रदान हो रहा है तो शेष ग्रुप में भी एक्सचेंज हो जाएगा उतना ही डिग्री से। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी हम एक्सचेंज आदान प्रदान 90 डिग्री से किए हैं, 180 से, 90 से, ठीक है? क्यों? 4 नंबर वाले को वर्टिकल लाइन पर लाने के लिए। स्टेप थ्री, जैसे आप सभी स्टूडेंट बस पर देखते हैं, सासाराम टू विक्रमगंज, सासाराम से विक्रमगंज भाया नोखा, इसका मतलब क्या है कि सासाराम से बस विक्रमगंज जाएगी और भाया नोखा मतलब नोखा से होते हुए जाएगी। तो आपको 1 से 3 जाना है, 1 से 3 जाना है, शर्त है कि 2 होते हुए जाना है, ठीक है? मतलब आपको 1 से 3 वरीयता वाले एटम और ग्रुप की ओर जाना है। अगर बीच में 2 जरूर आना चाहिए, और जाने के क्रम में अगर आपका घूर्णन क्लॉकवाइज हो गया तो आर बोल दीजिए, अगर जाने के क्रम में आपका घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो एस बोल दीजिए। तो जाने के लिए तैयार हो जाइए, 1 3 2 4, 1 से 3 जाना है, बीच में 2 आना चाहिए, जा रहे हैं। क्या ये रास्ता सही है? बीच में 2 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, इसलिए आपको ऐसे जाना होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? तो यौगिक का फॉर्म हो गया। स्टेप वन, सर्वप्रथम दिए गए परमाणु या मतलब सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में काइरल कार्बन के चारों ओर जो भी परमाणु या समूह है उसकी वरीयता ज्ञात करते हैं। स्टेप टू, सबसे कम वरीयता को वर्टिकल लाइन के नीचे वाले छोर पर व्यवस्थित करते हैं। स्टेप थ्री, 1 से 3 वरीयता वाले एटम और ग्रुप की ओर इस तरह से जाते हैं कि बीच में 2 वरीयता वाला परमाणु समूह आना चाहिए। अगर घूर्णन क्लॉकवाइज रहा तो आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो एस फॉर्म निर्धारित होगा, ठीक है? तो जल्दी से अपने कैपेसिटी का इस्तेमाल करना है, दिखाना है उस स्टूडेंट को जो क्लास रेगुलर नहीं आता है कि आप लोग का क्षमता कितना है और उसका क्षमता कितना है। चलिए, किसको 1 दे रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जिसको नहीं आ रहा है वो हुआ हुआ कर रहा है, कारण है कि वो 4 पैर वाला लेके जन्म लिया है। 1 2 3 4 समझ रहे आप लोग? सबसे ज्यादा कार्बन होता है उसकी वरीयता सबसे अधिक होती है अल्काइल में। तो यहाँ पर एक बार फिर से बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सबसे अधिक ये रहा, सबसे कम ये है। आपको ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप सबसे कम वरीयता वाला को, तो 2 4 में आदान प्रदान होगा, 4 क्या होगा, 3। स्टेप थ्री मतलब हमने इसमें आदान प्रदान किया तो इसमें भी आदान प्रदान करना पड़ गया। इसमें करना मजबूरी था क्योंकि 4 को कहाँ लाना था, वर्टिकल लाइन के निचले छोर पर। आ गया समझ में? स्टेप थ्री, 1 से 3 जाना है, बीच में 2 आना चाहिए, जाइए 1 से 3। रुकिए, पहले लिखिए,
एक से तीन जाना है, बीच में दो आना चाहिए, क्या रहा है? अब हम आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं जिसका नाम है मैजिक रूल। और ये मैजिक रूल कोई स्टेप स्टेप का अनुसरण नहीं करेगा, जहां क्वेश्चन है वही आंसर निकाल देगा। और मैजिक रूल आप देखने या समझने के लायक बन चुके हैं, सीखने के लायक बन चुके हैं। क्वेश्चन ये है, एक दो तीन चार लिख सकते हैं, यहीं पर घूम जाइए, एक से तीन दो होते हुए, एक से तीन बीच में दो आना चाहिए, घूम जाइए, एक से तीन दो होते हुए, कौन सा आर की एस आंसर बोलना है, एस। शॉर्ट लड़ गया, बोले हैं कि जहां क्वेश्चन वहीं पर आंसर, वहीं पर प्रायोरिटी डिटरमाइन करिए, वहीं पर एक से तीन घूम जाइए, कोई स्टेप नहीं अनुसरण करिए। आएगा आर तो बोल दीजिए एस, आएगा एस बोल दीजिए आर, लेकिन तब आंसर बदलिए जब सबसे कम वरीयता वाला बाएं या दाएं हो, लेफ्ट या राइट हो। अगर ऊपर और नीचे रहेगा कम वरीयता वाला, तो आपको आंसर बदल के नहीं बोलना है, वही बोल देना है। आंसर बदल के कब बोलना है, इसके लिए नियम है, लेफ्ट और राइट में रहेगा तब। तो ये था आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब अपना कैपेसिटी आप चेक कर लीजिए, कहाँ हम आप लोग को पहुंचा दिए। चलिए जल्दी से बोला जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहीं पर मैजिक रूल, एक से तीन दो होते हुए आ रहा है एस। दिक्कत? अब आप लोगों में से कुछ लोग को मन है कि नहीं, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। आराम से पहले 1 2 3 4 लिख दीजिए, फिर सबसे कम वाला को वर्टिकल लाइन पर लाइए, फिर एक से तीन जाइए, आएगा आर, ठीक है? ये वाला तो हम लोग बना लिए, अभी तुरंत बना है, ये भी बना लिए, ठीक है? इसमें भी कुछ नहीं है, C3A7 है, इसमें डरना नहीं है, C3A7 है, 1 2 3, तीन कार्बन, C3A7, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4। अब सीधे 90 डिग्री से पलटेगा, 90 डिग्री 180 से सीधे यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ चल जाएगा, इधर आ जाएगा। आपको कुछ ये सब नहीं करना है, या फिर चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाना है, बना लीजिए। बोलिए 180 डिग्री से पलट दीजिए, 1, और यहीं पर एक से तीन जाना है दो होते हुए, आर फॉर। दिक्कत लग रहा है? तो आज का सेवा समाप्त। अगर आप सभी लोग अच्छे से समझे, अभी लिखना है, देखिए सर जो हम बोले सब लिखित है। सर्वप्रथम प्रकाशित समय में स्थित कार्बन कार्बन के परमाणु के चारों ओर परमाणु या समूह की वरीयता ज्ञात करना है। दूसरा, इस स्टेप में सबसे कम वरीयता वाले परमाणु समूह को उद्धरण रेखा के निचले सिरे पर व्यवस्थित करना है। इस स्टेप में एक वरीयता वाले परमाणु या समूह से तीन वरीयता वाले परमाणु समूह की ओर दो वरीयता वाले परमाणु या समूह से होते हुए जाना है। अगर घूर्णन क्लॉकवाइज होगा तो आर, अगर घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज होगा, कोई दिक्कत किसी को? पूरा पूरा समझ में आया? जितना टाइम